दोस्तों आप सभी टीवी तो जरूर देखते होंगे। टीवी को विज्ञान का एक अद्भुत आविष्कार माना जाता है और टीवी आज के दौर में हम सभी को इंटरटेन करने का एक बहुत बड़ा जरिया बन गया है। और हमारे भारत देश में टीवी देखना लोगों की आम जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। यही कुछ लोग न्यूज देखना पसंद करते हैं तो कुछ लोग फिल्में देखना पसंद करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है तो वो है टीवी सीरियल्स। लोग टीवी सीरियल्स देखना बहुत पसंद करते हैं और खासकर हमारे भारत देश की महिलाएं टीवी सीरियल देखना बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। और आज के इस वीडियो में हम भारत के कुछ सबसे मशहूर टीवी सीरियल्स की कमाई के बारे में जानने वाले हैं, यानी ये सीरियल अपने एक एपिसोड से कितना पैसा कमाते हैं और इन सीरियल्स की एक एपिसोड की अर्निंग इतनी ज्यादा है जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। और इन सीरियल की अर्निंग मैंने इनके टीआरपी रेट और इन सीरियल के चैनल के एड रेट के हिसाब से कैलकुलेट किया है। और अगर आप टीआरपी रेट और एड रेट के बारे में नहीं जानते तो इसके बारे में मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, सो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 15वें नंबर पे आता है स्टार प्लस पे प्रसारित होने वाला सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के। यह सीरियल रात के 10 बजे स्टार प्लस पे आता है और ये सीरियल अपने एक एपिसोड से लगभग 17 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक एपिसोड से ये सीरियल 17 लाख रुपए कमाता है। इसी तरह से 14वें नंबर पे आता है जी टीवी पर प्रसारित होने वाला सीरियल गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, जो अपने एक एपिसोड से लगभग 24 लाख रुपए कमाता है। 13वें नंबर पे आता है सीरियल तुझसे है राबता, जिसका प्रसारण रात के 8:30 बजे जी टीवी पे होता है और ये सीरियल अपने एक एपिसोड से लगभग 20 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, 20 लाख रुपए। दोस्तों 12वें नंबर पे जो सीरियल है उसका नाम है कसौटी जिंदगी के, जिसका प्रसारण स्टार प्लस पे होता है और ये सीरियल अपने एक एपिसोड से लगभग 21 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक एपिसोड से ये सीरियल 21 लाख रुपए कमाता है। इसी तरह से 11वें नंबर पे आता है स्टार प्लस पे प्रसारित होने वाला सीरियल शादी मुबारक, जो हाल ही में स्टार्ट हुआ है और ये सीरियल अपने टीआरपी की वजह से एक एपिसोड से 15 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, इस सीरियल का जो टीआरपी रेट है वो बहुत जल्दी ऊपर चला गया और ये सीरियल बहुत जल्द ही बहुत ज्यादा पैसा कमाने लगा और ये सीरियल अपने एक एपिसोड से 15 लाख रुपए कमाता है। 10वें नंबर पे आता है सीरियल पिंजरा खूबसूरती का, जिसका प्रसारण कलर्स टीवी पे होता है और यह सीरियल अपने एक एपिसोड से 11 लाख रुपए कमाता है। दोस्तों 9वें नंबर पर आता है कलर्स टीवी पे प्रसारित होने वाला सीरियल शक्ति और यह सीरियल अपने एक एपिसोड से लगभग 13 लाख रुपए कमाता है और ये सीरियल भी एक नया सीरियल है और लोगों द्वारा ज्यादा पसंद किए जाने के कारण इसका जो टीआरपी रेट है वो बहुत ऊपर चला गया और इसलिए ये नया होने के बावजूद अपने एक एपिसोड से 13 लाख रुपए कमा लेता है। 8वें नंबर पे आता है स्टार प्लस पे प्रसारित होने वाला सीरियल ये जादू है जिनका और ये सीरियल भी हाल ही में स्टार्ट हुआ है और इस सीरियल का भी जो टीआरपी रेट है वो बहुत जल्द ही ऊपर चला गया और इसीलिए ये सीरियल अपने एक एपिसोड से लगभग 21 लाख रुपए कमाता है, जो एक नए सीरियल के लिए बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से 7वें नंबर पे आता है सीरियल नागिन 5, जिसका प्रसारण कलर्स टीवी पे होता है और इस सीरियल को भी लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इस सीरियल का भी जो टीआरपी रेट है वो बहुत ज्यादा है और ये सीरियल अपने एक एपिसोड से लगभग 20 लाख रुपए कमाता है। दोस्तों 6ठे नंबर पे आता है आप सभी का प्यारा सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस सीरियल का नाम कौन नहीं जानता, क्योंकि ये सीरियल बहुत पुराना सीरियल है और हम सभी को पता है कि ओल्ड इज गोल्ड और ये भी पता है कि इसका प्रसारण स्टार प्लस पे होता है और इस सीरियल के पुराने होने के बावजूद ये अभी भी अपने एक एपिसोड से 28 लाख रुपए कमा लेता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल अपने एक एपिसोड से 28 लाख रुपए कमाता है। 5वें नंबर पर आता है कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाला सीरियल छोटी सरदारनी और ये सीरियल अपने एक एपिसोड से 30 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, भले ही ये एक नया सीरियल है लेकिन इस सीरियल ने इतना टीआरपी गेन कर लिया अपने स्टार्टिंग में ही कि ये सीरियल अपने एक एपिसोड से अभी 30 लाख रुपए कमाता है।
इसी तरह से चौथे नंबर पे आता है मेरा फेवरेट और हो सकता है आपका भी फेवरेट सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि एक बहुत ही फनी सीरियल है और हम सभी को पता है कि इसका प्रसारण सब टीवी पे होता है। लेकिन आप इसकी अर्निंग जानकर सच में हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये सीरियल अपने एक एपिसोड से 35 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ एक एपिसोड से तारक मेहता का उल्टा चश्मा 35 लाख रुपए कमाता है। तो तीसरे नंबर पे आता है जी टीवी पे प्रसारित होने वाला सीरियल कुमकुम भाग्य, जो कि एक पुराना सीरियल भी है और लोगों का बहुत चहेता सीरियल भी है, और लोगों के अपार प्यार की वजह से ही ये सीरियल अभी करंटली इंडिया में टीआरपी के मामले में तीसरा सबसे ज्यादा टीआरपी गेन करने वाला सीरियल है। और इसका टीआरपी हाई होने की वजह से ही ये सीरियल अभी करंटली अपने एक एपिसोड से 42 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये सीरियल कुमकुम भाग्य अपने एक एपिसोड से 42 लाख रुपए कमाता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है स्टार प्लस पे प्रसारित होने वाला सीरियल अनुपमा, और ये सीरियल हाल ही में स्टार्ट हुआ है और ये सीरियल लोगों द्वारा इतना ज्यादा पसंद किया गया कि ये सीरियल बाकी सभी सीरियल को पीछे छोड़ते हुए टीआरपी के मामले में इंडिया में सेकंड सबसे ज्यादा टीआरपी पाने वाला सीरियल बन गया। और इतने अपार प्यार और इतने हाई टीआरपी के कारण ही ये सीरियल अपने एक एपिसोड से 48 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, हाई टीआरपी के कारण और ज्यादा प्यार के कारण, ज्यादा देखने के कारण ये सीरियल अपने एक एपिसोड से लगभग 48 लाख रुपए कमाता है, जो कि एक नए सीरियल के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इसी तरह से सबसे पहले नंबर पे आता है जी टीवी पे प्रसारित होने वाला सीरियल कुंडली भाग्य, जो अभी भारत में सबसे ज्यादा देखा और पसंद किए जाने वाला टीवी सीरियल है। और ये सीरियल टीआरपी के मामले में भी अभी इंडिया में सबसे टॉप पोजीशन वाला सीरियल है, और ये सीरियल अपने एक एपिसोड से 52 लाख रुपए कमाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, ये सीरियल सिर्फ अपने एक एपिसोड से 500,000 यानी 52 लाख रुपए कमाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म होता है और उम्मीद करता हूँ कि आप इन सीरियल की एक एपिसोड की अर्निंग जानकर हैरान तो रह ही गए होंगे। और मुझे पता है कि आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये है कि आखिर मैंने इन सीरियल्स की एक एपिसोड की अर्निंग निकाली कैसे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, और अगर इस वीडियो में मैं इस प्रोसेस को बताने बैठ गया तो ये वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक तो वीडियो बहुत लंबी हो ही चुकी है। सो इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि टीवी सीरियल्स आखिर पैसा कैसे कमाते हैं और मैंने इनकी अर्निंग कैसे कैलकुलेट की। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि टीवी सीरियल पैसा कैसे कमाते हैं, तो कमेंट बॉक्स में #part2 लिख लीजिएगा, जिससे मैं जल्द से जल्द इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। सो चलिए दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।